गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है डे 3 और अभी मैं हूँ तुरतुक में। तो जैसा कि कल के वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पर जो मैं फेस्टिवल कवर करने के लिए आया हूँ, तो आज उसकी मेन परफॉर्मेंस है। कुछ 2-3 घंटे का इवेंट रहने वाला था, बट आज सुबह से ही बारिश हो जा रही है, बारिश रुकी ही नहीं है। तो अभी कुछ 10 बज गए हैं, इवेंट का टाइम 9 बजे का था बट पोस्टपोन हो गया है। तो हमें फ्री टाइम मिल गया है जिसके अंदर हम विलेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी मैं, अभिनंदन, हशमत जो हमारा होस्ट है, एंड अंकल जी, हम चारों निकल गए हैं। थोड़ा विलेज देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, एंड देन जब बारिश थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो जाके इवेंट शूट करेंगे। तो और इस गांव में जो वॉकवे है, जो पाथ है, उसके साथ साथ ऐसे ये चैनल्स बने हुए हैं पानी के, और ये पूरे गांव के अंदर प्रेजेंट है। तो मैंने हशमत से पूछा, उसने मेरे को बताया कि ये ग्लेशियर वाटर है। ग्लेशियर से जो पानी सीधा ऐसे रिवर में जाके मिलता है, तो वो चैनल कट करके पुराने ज़माने में एग्रीकल्चर के लिए गाँव के थ्रू बना दिया गया था। और ये पानी अब तक इतना साफ इसलिए भी है क्योंकि इसमें कपड़े धोना और कुछ भी लिटर करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। 2000 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा। और यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसका पानी इसके अंदर नहीं जाता है। जो भी यहाँ के गेस्ट हाउसेज और ये सब है, इसके अंदर कुछ नहीं जाता है, तो इसलिए अब तक काफ़ी क्लीन है। और ये पूरे विलेज में ऐसा फैला हुआ है। हम कॉन्स्टेंटली वॉक कर रहे हैं और ये छोटी सी स्ट्रीम, ये छोटा सा वाटर का चैनल हमारे साथ थ्रू आउट हमें फॉलो कर रहा है, मतलब हम इसको ट्रैक करते हुए चल रहे हैं। ये देखो, खास बात ये है कि यहाँ पे जितने भी खेत लगे ना, वहाँ पे खाने की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अभी अपने भाई गए हैं, हशमत भाई, और हमारे लिए फ्रेश खेत से देखो कुछ तो लेके आ रहे हैं खाने के लिए। ओह वाह, क्या लेके आया? पानी बहुत ठंडा है भाई। इसको खाना कैसे है पता है? नहीं, कैसे खाना है? ये लो इसको खाओ। इसको ना ऐसे तोड़ना है, पहले तोड़ना है, फिर ऐसे ना इसका छिलका उतारना है। अच्छा, ऊपर से छिलका उतारना है। काफ़ी फ्रेश, काफ़ी और रॉ, काफ़ी ऑर्गेनिक और काफ़ी टेस्टी। तो भी मेरे पीछे ये एक्चुअली वो जगह है जहाँ पर चैनल स्टार्ट होता है इस गांव का। तो जो वाटरफॉल है, यहाँ तो ग्लेशियर से पानी आ रहा है एंड देन यहाँ से निकल के रिवर के अंदर मिल जाता है। बट देन यहाँ पर एक तुम वीडियो के अंदर देख सकते हो कि कैसे इन लोगों ने डाइवर्जन बना रखा है, एक अलग से चैनल बना रखा है, और इस चैनल पूरे गांव को सराउंड करते हुए जाता है, थ्रू आउट गांव के अंदर है। ऐसा एक भी स्पॉट नहीं है जहां पर ये चैनल ना हो। और ये बहुत ही ज़्यादा साफ पानी है, तो जब तुम रातों में सोते हो तो तुम्हें कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता है कि रिवर तुम्हारे साथ में ही बह रही है। कॉन्स्टेंटली आवाज़ आती रहती है क्योंकि इसका वाटर का फ्लो काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, अभिनंदन और अंकल को तो तुम जान ही गए हो। ये हशमत है, ये हमारे होस्ट हैं तुरतुक में, जो हमें यहाँ पर लोकल साइट सीइंग करा रहे हैं और ऐसी जगहों पे लेके जा रहे हैं जहाँ पर नॉर्मल टूरिस्ट नहीं जाते हैं। पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हमें बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें खिला रहे हैं। शलगम पहले और क्या खिलाया था, तो हमने एप्रिकॉट खाया, शलगम खाई, और अब हमें ये कोई तो पत्ता खिलाने वाले हैं भाई। इसको हमारे लोकल भाषा में दरवा बोलता है। अच्छा, तो हिंदी माने लस्सी। लस्सी, इससे एकदम से रिफ्रेशमेंट आता है बॉडी में, ऐसा नहीं होता है। ये पत्ता इतना स्वादिष्ट है कि मैंने जिंदगी में पहली बार खाया है। क्या खट्टा मीठा लगता है और एनर्जी इतनी मिलती है इससे, भाई साहब मजे आ गए। ये लोग दोस्तों, अंकल अपना सेपरेट यूट्यूब चैनल खोलने वाले हैं। अंकल से बात हो गई, अंकल अपना सेपरेट यूट्यूब खोल रहा है सच में। तो मैं तुम्हें लिंक दे दूंगा जब अंकल का चैनल बन जाएगा, ठीक है ना अंकल? ओके, थैंक यू। पत्ता खाते हुए, ओके थैंक यू, मजेदार, ठीक है, ले लो अंकल, तोड़ लेके ले जाओ। कौन सी पत्ती है? अरे ये वाली, इतनी सारी पत्तियाँ लगी है। लस्सी है इसका नाम, लस्सी जैसे काम खा जा। इसके ना, ऐसी आवाज आती है, ऐसा खाना है तो वास्तव में मजे आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, एकदम खट्टा मीठा भाई। हमने जितनी भी चीजें खाई है ना यहाँ पे, रॉ नेचर वाली, इतनी टेस्टी है, सब कुछ फेल है। चलो अब हम, हमारा टाइम ओवर हो गया,
अब हम वापस जा रहे हैं जहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है, जाके फेस्टिवल शूट करेंगे। ओ भाई साहब, एक नंबर भाई मेरे। तो यार हम कहने को 11,000 फीट की ऊंचाई पे हैं, पर ये भाई कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये देखो क्या कर रहे हैं, ये देखो नहीं भाई, ये हमारी यहाँ पर 6th-7th मील है और क्या टेस्ट है खाने का, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में लाजवाब। तुम अभिनंदन का रिएक्शन देख ही सकते हो, खाने के खाना देखते ही उसने क्या बोला, सब कुछ भूल जाओ पहले। बढ़िया, चलो अब खाना खा के हम जा रहे हैं अपनी लोकेशन पे, एंड देन शूट चालू करेंगे। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, आज एक्चुअली लग रहा है कि फेस्टिवल है, कल तो रिहर्सल थी, आज फेस्टिव सीजन है, तो हमारे पास शायद व्लॉगिंग का बहुत ही कम टाइम होगा। देखो भीड़ कितनी सारी हो गई है, तो खैर अब अपनी पोजीशन ले लेते हैं क्योंकि फिर मूवमेंट भी बहुत मुश्किल हो जाएगी करना। जैसे लद्दाखी और तमिलनाडु दोनों ने मिलकर परफॉर्मेंस दी, उसका गुजरात और छत्तीसगढ़ ने मिलकर परफॉर्मेंस दी। दोस्तों बहुत बढ़िया फेस्टिवल रहा, बहुत कलरफुल फेस्टिवल रहा। एक्चुअली एंड के अंदर पीछे से, मतलब मैं शूट कर रहा था क्योंकि तो पीछे से ऐसा मून आता है और यहाँ से मेन सिंगर परफॉर्म कर रहा है, एंड देन सारे अलग अलग कलर, अलग अलग लैंडस्केप, अलग अलग जगहें, जो कि इंडिया के लोग हैं सारे। क्या बोल रहा हूँ मैं यार दोस्तों, बहुत बढ़िया फेस्टिवल रहा सच में, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बट लास्ट का जो मोमेंट था स्पेसिफिकली, जिसके अंदर सारे अलग अलग रीजन के लोग साथ में आके परफॉर्म करते हैं और साथ में आके ऐसा तिरंगा फहराते हैं, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। वो सीनिक भी था क्योंकि पीछे से तो चांद निकल रहा था और सब एक वाइड फ्रेम में आ रहे थे, मेरे को बहुत सुंदर लग रहा था। तो खैर आज हम ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ जाते ही हम काम में बिजी हो गए थे, बट फिर भी थैंक यू सो मच अगर तुम एंड तक आए हो, ये वीडियो देखा है, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, एक कॉमेंट कर देना, और प्लीज़ कॉमेंट में बताओ ये डेली व्लॉग्स की सीरीज तुम्हें कैसी लग रही है। हम जो जो अपनी लाइफ के अंदर दिखा सकते हैं तुम्हें कि किस तरह से हमारे काम भी चलता है, मतलब देखने में तुम्हें लग सकता है कि वाह व्हाट एन अमेजिंग लाइफ, बट बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अभी हम आए, अभी हमें कार्ड कॉपी करना है, फिर मेरे को ये वीडियो भी एडिट करना है, और इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर है। अभी क्या हुआ था, गुजरात से जो लोग आए हैं वो परफॉर्म करने के लिए, उनके एक साथी को ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से उन्हें एम्बुलेंस में डाल के परफॉर्मेंस के बीच में ही लेके जाना पड़ा। तो मजाक नहीं है इस जगह पे परफॉर्म करना, मजाक नहीं है इस जगह पे शूट करना, सब कुछ बहुत सीरियस है, बहुत सारा प्यार चाहिए दोस्तों। हाँ तो खैर थैंक यू सो मच, डे 3 ओवर, कल मिलते हैं डे 4 के साथ। कल एक्चुअली मिनिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट लोग आने हैं, एंड कल रात का इवेंट नहीं है, कल दिन का इवेंट है और छोटा इवेंट है। आज तो 4-5 घंटे चला है बट कल छोटा है, तो कल प्रोबेबली हमें मौका मिलेगा पीछे बैक स्टेज जाने का, बैक स्टेज आर्टिस्ट से बात करने का, उनसे मिलने का। तो कल उन लोगों से मिलकर बात करते हैं कि वो लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, और उनसे भी यूट्यूब सब्सक्राइब करा देंगे। थैंक यू, बाय बाय। और जो ये बता देगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ उसको एक टी शर्ट गिफ्ट मंकी मैजिक की, ना नियरंग दमसुरा के। ओके कमेंट्स में बताना क्या बोला ये, बाय बाय। अब तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर जाना होता है। दोस्तों हम लोग पासिंग शॉट ले रहे थे और अंकल को डांस करने का मन कर गया। तेरे चेहरे में वो जादू है। हाय 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 हाय।